आपको पता है मरने के लिए और किसी को मारने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। जी हाँ, आपने सही सुना, परमिशन। यह प्रोसेस एक पेशेंट के केस में होता है। अगर कोई पेशेंट बहुत लंबे समय से बीमार है, उसे पता है कि मैं 10 दिन बाद या 6 महीने बाद या 1 साल बाद मरने वाला हूँ, मैं जिस डिजीज से सफर कर रहा हूँ इनक्यूरेबल है, पेनफुल डिजीज है और मुझे मरना है, तो डॉक्टर को बोल सकता है कि डॉक्टर साहब मुझे नहीं जीना, मुझे मार दो। तो यह चीज इंडिया में पहले इलीगल था, इसे बोलते हैं मेडिकल टर्म यूथनेशिया, बट 9 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंडिया में लीगल कर दिया है। इसमें यूथनेशिया, दैट इज मर्सी किलिंग, पेशेंट को उसके मन मुताबिक अगर उसको नहीं जीना है, वो किसी डिजीज से सफर कर रहा है तो मर सकता है। उसमें भी दो तरह के यूथनेशिया होता है, होता है एक्टिव यूथनेशिया, होता है पैसिव यूथनेशिया। इंडिया में पैसिव यूथनेशिया को लीगल किया गया, जिसमें आप किसी पेशेंट को टॉर्चर करके नहीं मारोगे, उसे पेनफुल डेथ नहीं देना है, उसे स्वीट पेन स्वीट डेथ देना है, जिसमें उसे पता ना चले और वो मर जाए। जैसे अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो आप वेंटिलेटर हटा सकते हो, और सबसे बेस्ट मेथड होता है कि किसी पेशेंट को आप IV इंसुलिन शॉट्स दे दो, मतलब इंट्रावेनस इंसुलिन का इंजेक्शन किसी पेशेंट में दे दो, उसको इंजेक्ट कर दो और एटलीस्ट 10 to 12 आवर तक उसे भूखा रखो, ब्लड ग्लूकोज लेवल डायरेक्ट सटल डाउन नीचे होगा और वह मर जाएगा, जिसे किसी किसी केस में डायबिटिक कोमा बोलते हैं। यही एक तरीका है स्वीट डेथ।